ओम शांति। आप सबको स्वागत है। अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 1 अगस्त की, जहाँ परमपिता परमात्मा बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो कि आपने शायद से कभी सुनी हो या ना सुनी हो। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाप कहते हैं सर्व कर्मेंद्रियों। कर्मेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? 2 प्रकार की, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म होगी मन बुद्धि संस्कार, जो कि आत्मा का ही भाग है, और साथ में होगी आपकी फिजिकल कर्मेंद्रिया, जो कि होगी आँखें, नाक, मुख, कान, हाथ पैर और त्वचा। ये हो गया आपकी स्थूल कर्मेंद्रिय। इन दोनों को कंट्रोल करने वाली हुई आत्मा। तो क्या हम आत्मा अपने इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाती हैं? कि कर्मेंद्रिय हमें कंट्रोल करती हैं। खाना नहीं चाहिए तो खा लिया, देखना नहीं चाहिए तो देख लिया, बोलना नहीं चाहिए तो बोल गए, सुनना नहीं चाहिए तो सुन लिया, सोचना नहीं तो सोच लिया। ये हुआ कंट्रोल गंवाना। तो सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा। जब इनको हम अपने ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा, तो आत्मा राजा और ये 5 सेंसेस जो हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन बुद्धि संस्कार, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ का राजा है आत्मा। है कि नहीं है वो आप अपने आप से पूछें। अगर नहीं है तो आपकी लाइफ कैसी आप समझ सकते हैं। प्रमाण कहते हैं रूपी प्रजा को लॉ ऑर्डर प्रमाण चलाएं। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज़ दरबार लगाओ। रात को सोने से पहले आंखें, तुमने क्या कुछ गलत देखा आज? कुछ गंदा तो नहीं देखा तुमने? मैं कुछ गलत बोला? किसी को गाली करी? किसी के ऊपर चलाए तुम? कान, तुमने कुछ गलत तो नहीं सुना? मज़ा तो नहीं आया किसी की गिरती हुई न्यूज़ सुनते हुए, या किसी की बुरी हालत हुई तो आपको बड़ा मज़ा आया हो? आपका अहंकार, देखा मैंने बोला था ना उसके साथ ऐसे होगा? ना 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 ना, ये काम हमारा नहीं है। सोच, तुम क्या सोच रहे हो आज? इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचा तुमने? किसी के बारे में तुमने गलत सोचा? तुमने दुआएं दी कि तुमने बददुआएं दी औरों को? तुमने औरों को तुलना करी अपने साथ में कि तुमने सबको आगे बढ़ने की संकल्प के साथ कर्म भी ऐसे किए? तो परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, हर दिन दरबार लगाओ कि पूरे दिन मंत्रियों आपने काम क्या किया है, बताओ जरा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं रोज़ दरबार लगाओ और हाल चाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं। अगर स्ट्राइक लग जाए फैक्ट्री के वर्कर्स की, तो फैक्ट्री बंद हो जाती है। आँख कान नाक मुख हाथ पैर अगर हमारे अनुसार ना चले, मन बुद्धि संस्कार हमारे अनुसार ना चले, तो डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं आगे। बाबा कहते हैं ऑपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है, चेक करो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, अगर हम आत्माएं मेडिटेशन के द्वारा सर्वशक्तिवान बनी हैं, उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। तो मतलब कि सूक्ष्म कर्मेंद्री मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं देंगे, आँख कान नाक मुख हाथ पर धोखा नहीं देंगे, मतलब गलत कर्म करनी करवा देंगे। गलत कर्म करवा दिए तो उसका फिर फल, दिन भर बुद्धि भटकेगी, दिन भर हमें लो फील होगा अगर गलत कर्म कर दिया आँख कान नाक मुख हाथ पैर से या सोच से भी। इसके बाद तो कहते हैं धोखा नहीं देगी। स्टॉप कहा तो स्टॉप, गलत सोच रहे हो स्टॉप, गलत देख रहे हो स्टॉप, गलत बोल रहे हो स्टॉप, गलत सुन रहे हो स्टॉप। ऐसे करने वाले ही सर्वशक्तिवान हैं। तो क्या बनना चाहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान? करना चाहते हैं तो आप आइए 70 सपोज करिए और अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू करिए हर दिन। इसी के साथ ओम शांति।